वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम उज्जैन पार्ट टू। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल वर्मा ब्लॉग और उज्जैन पार्ट टू में आपका स्वागत है। सो अभी हम जाएंगे दर्शन करने। सो यहाँ पे हमारा जो है टिकट चेक हो चुका है और आपको यहाँ आने के लिए अगर आप घर से अगर टिकट बुक नहीं कर सकते तो यहाँ पे कई एजेंट के थ्रू आप फ्री टिकट भी बुक करवा सकते हैं। टिकट कोच जो है वहाँ पे फ्री है। जय महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे आफ्टर एंट्रेंस आप जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग लाइन से। सो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंग और एंट्रेंस के बाद से आपको बस एक लाइन में चलते रहना। मेरे सारे फ्रेंड आगे हो गए और मैं हो गया हूँ पीछे, तो चलते हैं। और यहाँ पे दो भाई लोग हमारे लिए रुके थे। ड्यूटी प्राइवेसी वहाँ पे फोन जो है अलाउ नहीं है और वहाँ के आने के बाद तो हम तो कर लिए हैं दर्शन और अब जा रहे हैं प्रसाद काउंटर में, प्रसाद ले लेते हैं। दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं बाहर और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे और भी आने वाले ब्लॉग्स आप इंजॉयफुली देख सकें। अगर आप उज्जैन में अगर दर्शन करने आते हैं और आपको क्वेरी है कि सामान कहाँ रखे एंड आप टिकट ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पर माँ कल्याणी पुष्प भंडार दिखेगा। और ये भैया, आपका क्या नाम हुआ भैया? विनय सोलंकी नाम है भैया मेरा। तो ये भैया है जो आपका सामान भी रख लेंगे और आपका लॉकर रूम में सामान रख के और प्रसाद देकर और यहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि बुकिंग करानी है तो ये भैया बुकिंग कर देंगे। आपका क्या नाम हो भैया? गोविंद नागोरिया। तो ये दोनों भैया ये आपका टिकट भी बुक कर देंगे एंड आपको दर्शन करने के लिए सारी सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है और आपके सामान भी यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे वो भाई लोग का मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया और इन भैया लोग का मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा ये भैया का डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लीजिएगा पीछे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इन भैया से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। सो दर्शन होने के बाद अब पेट पूजा की बारी आ गई और मैंने उस भाई का जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो उज्जैन में दर्शन से तो आप यहाँ आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुकान नंबर 5 है और एंट्रेंस गेट पे। हाथ रखना ऊपर, हाथ रखना ये तू हाथ रखना ये तू हाथ रखना ये तू हाथ रख ये तू हाथ रख हाथ रख ऐसे रखना।
सो अभी हम हैं वहाँ से सांदीपनि आश्रम में, वो प्लेस है जहाँ पर हम पर श्री कृष्ण और सुदामा जी स्नान किया करते थे। तो अभी हो रहा है 10:06, हम आ चुके हैं भगवान श्री सिद्धवट मंदिर पर, चलते हैं। चलो भाई इधर से, किधर से? इधर से। सो हमने लिया है ये, चल रहे हैं क्या करने? मछली को दान कर रहे हैं। मछली को खिलाने जा रहे हैं। और कितने का पड़ा? 20 रुपये 20 रुपीज का पड़ा समथिंग। ए, लेना तेरा भाई एक से खा ले। लेना यार। मटर खा गया? और लाऊं? ये और लाते। 10 का किलो पकड़ना, एक एक दूंगा। मटर खा रहा है, 10 का नहीं है। मारा क्यों? देता और कितू लो मटर, इनको भी दे दे देना। बस मटर लो। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मंदिरों को खिलाने का। एंड यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट वाला प्लेस जो है कौन सा होने वाला है। सो पता करते हैं अब नेक्स्ट प्लेस कौन सा है। और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 10:30 हो गए हम लोग को यहाँ पे। हम लोग आधे घंटे रह गए, हमारे जो गाइडेंस साहब है वो हमें बुलाने आ गए कि चलो। सो चलते हैं। आए हैं काल भैरव मंदिर पे, यहाँ दारू भी चढ़ता है। अरे भाई साहब, हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर है। ये लोग ने कुछ लिया है, देखते हैं। पीछे आप देख सकते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा काल भैरव का। एंड अब हम यहाँ से निकल रहे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगा थोड़ी देर में पता चलेगा। हम अब आए हैं भृत हरी गुफा करके कोई प्लेस है, 20 रुपए का, जो कि काल भैरव से समथिंग 0.57 किलोमीटर दूर है। देखते हैं यहाँ पर क्या है देखने लायक। तो किसना मना होगा? फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जहाँ भी जा रहे हैं वो फिर चलना जाते हैं। हर हर महादेव। हम बाबा
लालू प्रसाद यादव और मोदी चचा। फिर यहाँ से रिटर्न ही है क्या? हाँ उधर से ट्रम्प इंस्टाग्राम नहीं पता चला था लेकिन जाते समय बहुत प्रॉब्लम। सो ये था गुफा नंबर एक, अब चलते हैं दो में। हाय, मैं सोचा जॉइंट होगा। कि हम लोग को कैसे चलना पड़ रहा है? कमर सही हो जाएगी हमारी। मैं सीधा होऊंगा, मैं ठुका जाऊंगा। नहीं अंधेरा भाई, लंबो वालों के लिए तो बहुत देखा है। अब नहीं है भाई, इधर स्टॉप हो जा। स्टॉप तुम स्टॉप होगा। चलते रहो भाई, चलते रहो। जगह होनी चाहिए ना आगे चलने की। मेरे को लगा कोई मूर्ति रखा है रे। मैं भी वही सोचा, अंदर घुसा ना तो वो मार रहा था पंख का, तो अच्छा नहीं लगा। मजा आया नहीं? फर्स्ट टाइम मेरे को भी लगा ना कि मूर्ति टाइप ही है, बाद में देखा ना भाई। चलो गुफा तो है, आशीर्वाद मिल गया। चलो अब बाहर निकलते हैं। आशीर्वाद कहाँ जाता है? सो वी आर वेटिंग। थ्री मेंबर्स पीछे थे, इसे मारता ना। ओ बाबा ना। सो गुफा का एक्सपीरियंस ले लिया, अब हम चल रहे हैं रिटर्न। भूत? अरे हम लोग भी देखे तो भूत ही लगा था ना। कौन? बाबा जी, हम नहीं लगा। वो बाबा तो हमसे टाइम पूछता है। बजने वाले हैं 12 और हम करें लंच, और आफ्टर लंच हम लोग लेंगे थोड़ा रेस्ट, उसके बाद हमारे जो रिटर्न है वो देखा जाएगा। तो गाइज अब हम आ चुके हैं गार्डन में, हमने सोचा है थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे और इसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे वापस जाएंगे। सो मैंने सोचा कि इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एम करते हैं 100 लाइक का, और जैसे 100 लाइक इस पे कंप्लीट हो जाएगा मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है अपलोड कर दूंगा। सो जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट कीजिए, और यहाँ तक अगर आपने अगर व्लॉग देखा है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। And thank you so much for watching this video guys. Take care and bye bye. Hey, वो बांध कैसे टूटा रे? मेरा रोहित का झगड़ा। अरे नहीं, उस पे बस गया था तो टूट गया, ज्यादा वजन था उसका। बस में नहीं थी, ट्रेन का पहिया पंचर हो गया। ये वीडियो YouTube पे डाल दीजिए अपना भाई, मेरे पास होना चाहिए। कैसा है? ले लेना तेरा भाई, खा ले। लेना यार।